जम्मू के अनंतनाग में आतंकी हमले का शिकार हुए पानीपत के शहीद मेजर आशीष के पार्थिव शरीर का सब इंतजार कर रहे हैं। पार्थिव देह शुक्रवार सुबह तक पानीपत में पहुंचने की संभावना है। तीन बहनों के इकलौते भाई और 2 साल की बेटी के पिता मेजर आशीष का अगले महीने 23 अक्टूबर को जन्मदिन था। उसने तभी पानीपत आकर अपने नए मकान में शिफ्ट करने का प्लान भी बनाया था, पर वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था। इस देश में आज भी सबसे ज्यादा इज्जत और परिवारों का सम्मान उन लोगों के लिए है जो क्रांतिकारी कहलाए, शहीद हुए या फिर आज सैन्य ऑपरेशंस में अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। इनमें एक नाम पानीपत के शहीद मेजर आशीष धोंचक का भी शामिल हो गया। मेजर आशीष जम्मू के अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद होने वाले 4 शहीदों में शामिल थे। इस शहादत के बाद पानीपत के सेक्टर 7 के 194 नंबर मकान में शोक और फक्र दोनों दिखाई दे रहे हैं। परसों से बात हुई थी उनकी बहन की, तो उसने कहा था कि भाई पापा बीमार हैं, 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, यहाँ कोई संभालने वाला है नहीं, आप आ जाओ। तो उसने बोला मैं भी आ नहीं पाऊँगा, यहाँ पे हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ मैं 23 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन भी है और मकान भी शिफ्ट कर लूँगा, मैं तभी आ जाऊँगा। तो फिर उसने जल्दबाजी में फोन काट दिया, कह गए कि भाई मुझे ऑपरेशन पे। पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। अभी उनके पिताजी से मिलना हुआ, बहुत दुख की घड़ी में एक पहाड़ टूट पड़ा है परिवार के ऊपर। तीन बहनों का भाई है, बच्ची बहुत छोटी है, 1.5-2 साल की होगी, 2-2.5 साल की है। और अभी तो आशीष अपना घर बना रहे थे, अभी शिफ्ट भी नहीं होते। बहुत दुखदायी घटना है, लेकिन शहीद हुए हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए। पानीपत के गांव बिंझोल के रहने वाले इस परिवार में आशीष के पिता लाल चंद NFL से 2 साल पहले रिटायर हुए। 2012 में बतौर लेफ्टिनेंट राजौरी में भर्ती हुए आशीष इसके बाद बठिंडा, बारामूला और मेरठ में ड्यूटी पर रहे, फिर राजौरी जम्मू में पोस्टिंग हुई। 2018 में प्रमोशन पाकर वो मेजर बन गए। 2 साल पहले ही पिता के रिटायर होने पर आशीष ने अपनी पत्नी और माता पिता को पानीपत के सेक्टर 7 के किराए के मकान में छोड़ दिया। अगले महीने 23 अक्टूबर को आशीष के जन्मदिन पर परिवार को TDI सिटी में अपने नए मकान में शिफ्ट होना था, पर भाग्य में यही लिखा था। बिल्कुल जी, देश के लिए तो बहुत अच्छा। सैनिक सम्मान के साथ आशीष के बारे में क्या जानते हो? सुना बहुत अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, एक अच्छे इंसान के तौर पर पहचान था। बस हम कुछ कह नहीं सकते, इतना अच्छा था, हम कुछ बोल नहीं सकते, इतना अच्छा था। प्रशासन जो आर्मी के अधिकारी हैं उनके साथ टच में हैं, जल्द से जल्द जैसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, आज तो संभावना नहीं है, कल तक पहुँचने के जो अभी मैसेज आया है और क्या टाइम रहेगा वो बता दिया जाएगा। और कल इनके जो TDI में नया मकान बनाया वहाँ पार्थिव शरीर पहले पहुंचेगा। बृहस्पतिवार को शहीद मेजर आशीष धोंचक के सेक्टर 7 के घर में सारा दिन ग्रामीणों, अफसरों और नेताओं का आना जाना लगा रहा। आशीष का पार्थिव शरीर संभवतः शुक्रवार सुबह पानीपत आ पाएगा। पहले पार्थिव देह को TDI के नए बने उसी मकान में ले जाया जाएगा जहां मेजर आशीष के जन्मदिन 23 अक्टूबर को यहां शिफ्ट करने की योजना थी। इसके बाद पैतृक गांव बिंझोल में शहीद का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ये ऐसी मौत है जो अमर कर जाती है। डिफेंस फोर्सेस के जवानों के लिए परिवार से पहले देश होता है। मेजर आशीष ने भी एक बार फिर साबित किया है कि किसी भी जवान के लिए पहला कर्तव्य देश की रक्षा करना होता है। डिफेंस फोर्सेस का या आर्मी का कोई जवान जब अपना बलिदान देता है तो उसको हम सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं, मतलब सर्वोच्च बलिदान, इससे बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी टीम पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।